किसानों की गोलियों से हत्या मध्य प्रदेश में जो की उन्होंने, उस बार उन्होंने मुंह काला किया और अब लोकतंत्र की हत्या के मुख्य षड्यंत्रकारी वो बने और मध्य प्रदेश का मुंह काला किया। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि आप ऐसे तो न थे। इंसान के अंदर राम भी होता है और इंसान के अंदर ही रावण भी आता है, तो उनमें राम की प्रवृत्ति ज्यादा आए और रावण का अंत हो उनके अंतर मन में, इसकी मैं प्रार्थना उनके जन्मदिन के अवसर पे करता हूँ। जहाँ तक बीजेपी का और इस पूरे घटनाक्रम का सवाल है, जहाँ बीजेपी की सोच समाप्त होती है वहाँ से कमलनाथ की सोच चालू होती है। हमारे विधायकों को प्रलोभन इनके मिल रहे थे, कमलनाथ जी के संज्ञान में ये सारी बातें विधायक बता रहे थे। हमने विधायकों के साथ मिलके पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश किया, चेहरा इनका बेनकाब किया। एक एक विधायक कमलनाथ के संपर्क में थे और सब विधायकों ने इनका असली चेहरा, षड्यंत्रकारी चेहरा, ब्लैक मनी समाप्त हुई, 65 करोड़, 50 करोड़, 35 करोड़ के ऑफर, ये कहाँ से आया पैसा? और ये लोग कार्डियो और वीडियो इनके सारे हमारे पास रखे हैं, हर विधायक ने अवेलेबल कराए जिनसे इनकी बातें हुई और वो कौन कौन ने कहाँ कहाँ जाके बातें कराई, बहुत सब एविडेंस है। सही समय पे कमलनाथ जी या प्रदेश कांग्रेस कमेटी या बड़े सीनियर नेता इसमें संज्ञान में लेंगे। कोई विधायक को कोई लेने में न मैं गया न कोई मेरे साथ आए, सारे विधायक अपने मन से आए, अपने मन से गए थे और पूरी पार्टी के संपर्क में थे। मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश की जनता ने देखा भारतीय जनता पार्टी का सोच। एक तरफ समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने में दिन रात लगे हैं कमलनाथ और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के काला मुंह करने में लगी है भारतीय जनता पार्टी, लोकतंत्र की हत्या में लगी है। ये सब बातें, सब घटनाक्रम प्रदेश की जनता देख रही है, आने वाले 2 चुनाव में फिर इनको सबक सिखाएगी।